ना कि अज सुबह सानू एक इनफॉरमेशन मिली कि साढ़े नवा पिंड चौंकी दे विच तैनात पुलिस कर्मचारी ASI सरूप सिंह उन्हां दी डैथ उन्हें डेड बॉडी मिली सी सानू खानकोट की जिहड़ी लिंक रोड है उहदे लागे। तुरंत मौके दे उत्ते पहुँचते हुए साडे सीनियर ऑफिशियल साडे SHO जंडियाला DSP जंडियाला बाकी सीनियर SPD साहब उन्होंने जाके उत्थे मौके का जायजा लिया। तो जो लवप्रीत सिंह पुत्र सरूप सिंह है उन्होंने बयान के उत्ते असी एक FIR दर्ज की, FIR नंबर 300 अंडर सैक्शन 302 ते 25 आर्म्स एक्ट। मैं दसना चाहता है कि लवप्रीत सिंह अपने बयान में लिखाया कि उन्होंने पिता नवा पिंड चौंकी में तैनात सन ते कल शाम अराउंड 8 बजे उन्होंने किसी अणपछाते नंबर तो कॉल आई जिदे नाल उन्होंने काफ़ी बहसबाजी हुई उस कॉल के उत्ते। तो उस तो बाद उन्होंने अपने परिवार वालों नूं दस्सिया कि मैं नवा पिंड चौंकी पुलिस फाइल देन जा रहा हाँ। यह कह के वो अपनी एक्टिवा के उत्ते घरों चले गए। जदों 9:30 बजे तक वो घर नहीं मुड़े तो उन्हों की वाइफ ने उन्होंने नंबर के उत्ते कॉल करके देखा तो उन्हों का फोन जड़ा सी स्विच ऑफ आ रहा सीगा। जो परिवार ने सारी रात फिर उस तो बाद चौंकी गए तो उन्होंने जाके पता लगा कि सरूप सिंह जी जड़े ने चौंकी आए ही नहीं सके। उन्हों की भाल की इन्होंने रात की तो सुबह जी उन्हों की डेड बॉडी है उन्होंने खानकोट की जी लिंक रोड है वो लागे मिली जिदे उन्होंने कंध के लागे गनशॉट इंजरी सी। एक राउंड उन्होंने फायर होया सी तो उन्होंने गनशॉट इंजरी सिर के लग्या सीगा तो उन्होंने काफ़ी खून बह जाने के करके उन्होंने उत्थे मौत हो चुकी सी। जो तुरंत कार्रवाई करदे हो पुलिस ने FIR रजिस्टर की ह्यूमन इंटेलीजेंस और टैक्निकल जी जी सा सर्वेलेंस है वो उत्ते काम करदे हो असी जोड़ा दोषी है उन्होंने ट्रेस कर लिया जिदा कि नाम शरणप्रीत सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह है जो कि दशमेश नगर PS तरसिका का रहने वाला है। दोषी इस टाइम तो घरों फरार है। साड़िया पुलिस दी टीम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ SPD साहब SSP साहब तो DSP साहब सारिया उत्थे मौके पर ने ते उन्नू दोषी नू जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके तफ्तीश जी है अगे वधाई जाएगी। जी ए मैं दसना चाहवागा कि उन्होंने जो प्राइमा फेसी सामने आई है गल कि उन्होंने परसनल रंजिश ही है कोई यहोजी गल नहीं। जो उन्होंने परिवार वाल गलबात हुई है काफ़ी फोन के उत्ते जी उस व्यक्ति दे नाल है उस नाल उसकी तिखी बहसबाजी हो रही थी। सो जितों तक हूँ तक की तफ्तीश हुई है वो यही है कि वो निजी रंजिश वो हैगी है जो इन्हों की मौत का कारण बने। हाँ जी जी दो दिन की छुट्टी पर सी जी दिवाली के करके असी मॉर्निंग अज उन्होंने ज्वाइन करनी सी पहले छुट्टी रहे उन्हों का बेटा भी जड़ा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीगा ते बैंगलोर तो इतने दिवाली की छुट्टियां करके आया हुआ सीगा। सो ये चीज़ है नहीं हजे तक कोई CCTV फुटेज नहीं सामने पर मैं तुम्हें दसिया कि टैक्निकल सर्वेलेंस करते हुए जो टैक्निकल एविडेंस है उन्होंने कलैक्ट करते हुए असी जो दोषी है उन्होंने आइडेंटीफाई करने में कामयाब हुए हैं तो जल्द तो जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी एक गोली लगी है तो उतों एक राउंड जोड़ा सानू रिकवर होया 0.32 बोर का 32 बोर का तो जो दोषी की गिरफ्तारी होंगी है तो इमीजिएटली जो वैपन ऑफ इन्हों का कतल का वैपन हैगा वो भी रिकवर कर लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ एक दोषी असी आइडेंटीफाई कर लिया बट सानू जो जेकर कोई होर भी ये दोषी इनवॉल्व होएगा तो वो खिलाफ भी बनती कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी रात में उन्होंने परिवार के मैंबर जो साथी मिला उन्होंने कहा था कि मिसल देने जा रहे जी परिवार ने दसिया कि हाँ जो रात को यह गल कह के घरों निकले है लेकिन जो उन्होंने बाद में सारी एपीसोड हुई उस टाइम तो उन्होंने भी नहीं सोचा कि यहोजी गल हो सकती है बट जो टोटल जी असी टोटैलिटी के देखिए तो उस फोन कॉल का आना उस तो बाद उन्होंने घरों जाना तो उस तो बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ हो जाना उस करके असी सारी जी इस कंकलूजन दें कि निजी रंजिश के करके ही इन्हों की जी मौत का कारण बना। जे फोन कॉल तो बाद उन्होंने ये गल अपनी अपने परिवार को दसी घरों जाने वास्ते बाकी जो को उस टाइम तो वैपन कोई नहीं सीगा। बाकी तफ्तीश जारी है जी इस तो बाद जी भी तफ्तीश हूँ अगे आएगी वो बारे भी तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा। जी एज ऑफ नाउ यह गल कोई सामने नहीं आई एज ऑफ नाउ यह कोई गल सामने नहीं आई साढ़े अच्छा ये FIR नंबर 300 नंबर FIR है मिति 16/11/2023 अंडर सैक्शन 302 IPC 25 आर्म्स एक्ट PS जंडियाला गुरु। ठीक है।